एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2018। नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 की भर्ती का इंतजार करने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर कि 3 साल हो चुके हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई भर्ती नहीं आई है, फिर भी यहाँ पर लगातार गृह मंत्रालय की तरफ से भी नोटिफाई किया जा रहा था कि लाख से ज़्यादा संख्या में पदों पर यहाँ पर वैकेंसी करानी है, क्योंकि लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े। तो ऐसे में लंबे समय के बाद में एसएससी ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है, ऑफिशियली कैलेंडर इसका जारी किया गया है, जिसमें ये डिटेल से बताया कि कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कब से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, ऑनलाइन एग्जाम कब होगा। ये सारी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ ही दोस्तों आपको वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार की वैकेंसी कितनी आएगी और इस बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्रिटेरिया क्या रखा जाएगा। अगर आपका भी सपना मैं भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 में भर्ती हूं तो दोस्तों वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे और महत्वपूर्ण बातें आज हम करने वाले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जल्दी से बता दें आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं एसएससी के द्वारा जारी किया गया नोटिस। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और इन्होंने एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है। सबसे नीचे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात बता देता हूं। यहां पर आप देखिए पॉइंट नंबर 20, जी हाँ दोस्तों, कॉन्स्टेबल जी डी कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जी डी असम राइफल एग्जामिनेशन 2020 आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। सीबीटी एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और 25 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 मई तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जबकि 2/8/2021 से 25/8/2021 के बीच में आपका ऑनलाइन रिटर्न भी करवा लिया जाएगा। मतलब एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन की डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट, लास्ट डेट और साथ ही एग्जाम डेट भी यहां पर पब्लिश्ड की गई है। लेकिन अब आपको लगता है कि इस बार की जो वैकेंसी आएगी उसमें लगभग कितनी वैकेंसीज होगी, तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूं इस बार आपके कितनी वैकेंसीज आने वाली है। दोस्तों इस बार की वैकेंसी की बात करें तो यहां पर हाल ही में गृह मंत्रालय ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी है। तो ऐसे में क्या 1 लाख पदों पर आपकी भर्ती आ जाएगी? दोस्तों 1 लाख के पदों पर तो आपकी भर्ती नहीं हो पाएगी, लेकिन 80 से लेकर 85,000 के लगभग आपकी वैकेंसी इस बार जरूर आने वाली, क्योंकि बहुत ही लंबा समय यहां पर हो चुका है और बहुत सारी वैकेंसीज यहां पर एसएससी जीडी के थ्रू आने वाली वैकेंसी पैरामिलिट्री फोर्सेज में खाली पड़ी है। इस बार का एज क्रिटेरिया कितना रहेगा तो यहां पर आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं एज क्रिटेरिया। 10वीं पास, सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, 10वीं पास वाले सभी अभ्यर्थी यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहां पर इलिजिबल माना जाएगा। वही यहां पर बात करें एज क्रिटेरिया की तो 18 से लेकर 23 वर्ष तक के युवा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये जनरल कैटेगरी का क्रिटेरिया है। दोस्तों ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 23+3 आप 26 साल तक अप्लाई कर सकते हो, जबकि एससी एसटी को 5 साल की, जी हां दोस्तों 5 साल की, मतलब 28 साल तक एससी एसटी के कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर इसमें इनको भी यहाँ पर एज क्रिटेरिया में छूट दी जाती है। तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर है, वो बहुत ही जल्द यहाँ पर एसएससी आपको देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली आपका जो कैलेंडर है वो एसएससी की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि यहाँ पर 25 मार्च से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के थ्रू, क्योंकि जो वैकेंसी 2018 में एसएससी जीडी की आई थी वो अंतिम चरण में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम चरण में चल रही है, और उनका अब दिसंबर तक यहां पर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ऐसे में नई भर्ती आना श्योर है, तो आपकी नई भर्ती है वो एसएससी जल्द ही यहां पर जारी करने जा रही है। दोस्तों वैकेंसी आपके 80,000 से कम नहीं होगी, लगभग 80 से 85 हज़ार के लगभग आपकी वैकेंसीज ये आने वाली, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो वैकेंसी जाती है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है स्टेट वाइज, और अलग अलग स्टेट की कट ऑफ जाती है। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ 35 से 40 नंबर पे रहती है, जबकि कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो राजस्थान हरियाणा यूपी जैसे, जिनकी कट ऑफ 80+ भी यहाँ पर रह जाती है। तो आप अब से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस बार भी पिछली बार की तरह सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट ही होने वाला है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगी तो
वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।